पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और सभी जाति धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाले दलितों के मसीहा कहे जाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान और पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार का जन्मदिन मुरादाबाद के वार्ड 36 में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार राठौर की अध्यक्षता में केक काट कर मिष्ठान वितरण किया गया। जरूरतमंदों को वस्त्र वितरित किए गए और अध्यक्ष अरविंद कुमार राठौर ने कहा कि रामविलास पासवान ने सभी जाति धर्मों के साथ लेकर समाज हित में अनेकों कार्य किए। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। लोजपा का संगठन स्वर्गीय रामविलास पासवान के समय से संपूर्ण भारतवर्ष में प्रदेशों में और जिलों में है, जो आज भी चिराग पासवान के साथ है और उनके चाचा पशुपति पारस के साथ कोई नहीं है। भाजपा पशुपति पारस को मंत्री बनाती है तो भाजपा को ही इसका हर्जाना झेलना होगा और यदि चिराग पासवान को मंत्री बनाया जाता है तो भाजपा को इसका लाभ जरूर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव भी है। इस मौके पर लोजपा के पदाधिकारी गण डॉक्टर अरविंद कुमार राठौर, जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार टंडन, राजेंद्र पाल सिंह, सौरभ कुमार, राजू तोमा, डॉक्टर प्रेम शंकर मौर्य, दुर्गेश कुमार के साथ और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पद्म विभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार का जन्मदिन मुरादाबाद के वार्ड 36 के तोमर सेलिब्रेशन में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है, जिसमें जिलाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार राठौर की अध्यक्षता में केक काटकर मिष्ठान वितरण कर जरूरतमंदों को वस्त्र वितरण किए गए हैं। और आगे ये कहना है कि रामविलास पासवान जी ने सभी जाति धर्मों के साथ मिलकर समाज हित में अनेकों कार्य किए हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी हैं। लोजपा का गठन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समय से पूर्ण भारतवर्ष के सभी प्रदेशों में, सभी जिलों में संगठन है, वही संगठन और जो नया मजबूती से बनाया है लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान सांसद जी के साथ है और रहेगा। पशुपति पारस जी लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को बताते हैं, वो संविधान के खिलाफ है और लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा चिराग पासवान जी के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। बीजेपी सत्ता वालों से कहना चाहूँगा, अगर पशुपति पारस जी को मंत्री कैबिनेट बनाते हैं तो कोई लाभ नहीं होगा। माननीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सांसद जी को बनाते हैं तो सभी देश, पूरे देश, भारत के प्रदेशों और जिलों में जो संगठन है वो काम आएगा। एक उदाहरण आपको बताता हूँ, पिछले विधानसभा चुनाव में मुरादाबाद की 6 सीटों में भाजपा ने 2 सीटें जीती थी, जिसमें महानगर मुरादाबाद की सीट बहुत बड़े खतरे में पड़ गई थी। तब लोजपा ने 3000 वोट अपने देकर के उसकी लाज इज्जत सम्मान को, भाजपा विधायक की सीट को बचाया था। यही कहना चाहूँगा, आंखें खोलकर बीजेपी अपना काम करे और देखे जो भविष्य क्या है उसी हिसाब से काम करे। पशुपति पारस में मंत्री बनाने से कोई फायदा नहीं है। चिराग पासवान जी को कैबिनेट मंत्री बनाने पर आपको पूर्ण भारत में लाभ मिलेगा, क्योंकि सभी स्टेटों में, सभी जिलों में उनका संगठन है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।